हेलो क्लास 12th, आज का टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मींस करंट पर यूनिट एरिया। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी, अगर कोई वायर है और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन है वो ए है, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। थोड़ा और आगे हम लोग देखेंगे कि एक कुछ ऐसे वायर्स भी होंगे जिसके जो रेडियस है वो लगातार चेंज हो रही होगी, एरिया कांस्टेंट नहीं होगा। फिलहाल ये कांस्टेंट एरिया का वायर है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। मैं इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इस क्रॉस सेक्शन पर करंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से डिफाइन करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई, कितनी करंट है पर यूनिट एरिया, कि ये करंट किस एरिया से पास हो रही है, कितनी करंट पास हुई और कितने एरिया से पास हुई, इसका जो रेशियो होगा उसको बोला जाता है करंट डेंसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हाँ करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन कैसे है जरा से गौर करिएगा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिधर करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है इस वजह से हम इसको वेक्टर जे लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एक यूनिट वेक्टर ईटा कैप लगा रहे हैं जो कि ये बताएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। इसको और एक्सप्लोर करते हैं, इतना ही नहीं है सिर्फ करंट डेंसिटी में, इसको और एक्सप्लोर करते हैं फ्रेंड्स। अभी भी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है वो J इज इक्वल टू है आई बाई ए, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त हमेशा एक बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ये एरिया है ये हमेशा करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारे पास इस टाइप का वायर है तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई बाई ए आ रही थी। अगर एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए है, लेकिन हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर है, मतलब कि वो इस वाले एंगल पर है ऐसे करके, और अभी तक इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ था, याद करें स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है और मैग्नीट्यूड उस एरिया के बराबर होता है, इसको आप लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ रखा होगा। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो एरिया वेक्टर था वो करंट के ही अलोंग था, यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर है वो, चूंकि अभी तक आपका एरिया ऐसे हुआ करता था तो एरिया वेक्टर ऐसे था, एरिया ऐसे हो गया तो एरिया वेक्टर इधर कहीं होगा, ये रहा आपका एरिया वेक्टर, इस बार का एरिया वेक्टर, करंट ऐसे है तो इस बार करंट और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। यहां पर करंट और एरिया वेक्टर के बीच में कोई एंगल नहीं था, अभी यहां पर एंगल है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर करंट डेंसिटी बताओ, तो करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू कितनी होती है स्टूडेंट्स, ये होता है इस पॉइंट पर कितनी करंट है और इस पॉइंट का एरिया। अब जरा गौर करिएगा कि हमें वो वाला एरिया लेना है जो करंट पर परपेंडिकुलर हो, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ये तो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है ना, हमें इसका ये वाला एरिया लेना है, इसका एक कंपोनेंट, इस एरिया का एक कंपोनेंट
वो वाला कंपोनेंट लेना है जो कि इस करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये थीटा है स्टूडेंट्स तो ज्योमेट्री से आप समझ रहे होंगे ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, और अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये एरिया है ए तो ये एरिया कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वेक्टर के आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट देखते थे वैसे ही आप एरिया को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एरिया ए है और ये एंगल थीटा है तो इस एरिया का इस प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसी एरिया का यहां पर कितना इस वाले प्लेन में कितना प्रोजेक्शन होगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। बिल्कुल वैसे जैसे आप वेक्टर के दो कंपोनेंट करते थे। ठीक है, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है, तो करंट जितनी फ्लो हुई अपॉन में वो वाला एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे टोटल एरिया ए है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका एक कंपोनेंट करंट के परपेंडिकुलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा ए कॉस थीटा करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने सीखा होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, जहां पर थीटा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, वैसे ही आई इज इक्वल टू क्या है बेटा, आई है जे ए कॉस थीटा। अगर आप यहां पे देखें तो जे यहां पे उसका मैग्नीट्यूड है, ए ए का मैग्नीट्यूड है, एरिया का मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, जहां पर वेक्टर जे क्या है करंट डेंसिटी वेक्टर है और वेक्टर ए क्या है एरिया वेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका करंट। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे देखेंगे, इसका डिफरेंशियल फॉर्म अगर हमारे पास जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है तो उससे जो लिंक होने वाला करंट होगा वो कितना होगा, आई इज इक्वल टू जे डॉट, एरिया बहुत छोटा हो जाएगा तो करंट भी बहुत थोड़ा सा ही पास होगा उस एरिया से। ठीक है, तो टोटल करंट ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है ये। इसका इंटीग्रल फॉर्म, अगर हमें टोटल करंट चाहिए ओवर द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आप इसको टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन जे डॉट डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि जे और डीए मतलब कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर को जो डॉट प्रोडक्ट होगा और उसको जब इंडिकेट करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा फॉर्मूला नहीं है जैसे कि आप लोगों ने सीखा था फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप इंटीग्रेट करते थे तो आपको फ्लक्स मिलता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही करंट डेंसिटी को इंटीग्रेट करने पर इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है ना, तो जहां पर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज होती थी वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा करंट डेंसिटी, बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से भी कुछ लोग बोलते हैं कि करंट इज flux of current density, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका मेन फॉर्मूला है, इसको आप लर्न रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसको और एक्सप्लोर करते हैं।
और करंट डेंसिटी को एक बार फिर से आप चेक करते हैं, समराइज करते हैं, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल करंट अपॉन एरिया, लेकिन एरिया ऐसा वैसा वाला नहीं, वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ राइटर्स यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में भी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन को मानते हैं। सही है, देखिए कैसे, अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि जे इज इक्वल टू आई बाई ए या फिर जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, जब ये वाला कंडक्टर था और यहां पर इस एरिया के थ्रू करंट डेंसिटी पता करनी थी, तो इस एरिया का एरिया वेक्टर इधर होगा और इधर ही करंट है। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन उधर होगी जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा, और पॉजिटिव चार्ज किधर चलता है, जिधर करंट होती है, और उसी की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। ठीक है ना, यहां पर जो एरिया वेक्टर है उधर ही आपकी करंट डेंसिटी होगी अलोंग एरिया वेक्टर। ठीक है, यहां पर देखिए, जब ए कॉस थीटा था, इस केस में एरिया वेक्टर ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया था, करंट की डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल पर हुआ करता था। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था, हमें इस एरिया वेक्टर का एक ऐसा कंपोनेंट जो करंट की डायरेक्शन में हो। ध्यान रखिएगा, एरिया वेक्टर वो वाला जो करंट की डायरेक्शन में हो और एरिया वो वाला जो करंट के परपेंडिकुलर हो, दोनों एक ही बात है। तो यहां पर देखिए, इस ए का इधर वाला कंपोनेंट क्या हुआ करेगा, ए कॉस थीटा। अब यहां पर एरिया वेक्टर पूरा करंट की डायरेक्शन में नहीं था जैसे कि पहले था कि एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में हुआ करता था, अभी यहां पर एरिया वेक्टर करंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो उस एरिया वेक्टर का एक कंपोनेंट ले लीजिए जो कि करंट की डायरेक्शन में हो, वो कौन सा है, ए कॉस थीटा। ठीक है ना, अब यहां पर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बाई, यहां पर टोटल एरिया हुआ करता था, अभी यहां पर वो वाला कंपोनेंट जो करंट के अलोंग हो, एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट जो करंट के अलोंग हो, वो है ए कॉस थीटा। या फिर इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरिया का वो कंपोनेंट जो करंट के परपेंडिकुलर हो, ये भी तो है ए कॉस थीटा। ये एरिया है ए कॉस थीटा और ये एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, आप ऐसे कहिए या वैसे कहिए, दोनों से। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आपको बस इतना समझना है कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया वो वाला एरिया लेंगे जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक फ्रस्टम का है, फ्रस्टम कुछ इस टाइप से है कि इसकी जो फ्रंट वाली जो रेडियस है वो ए है और लास्ट में जो रेडियस है वो बी है, और जो रेडियस का इंक्रीमेंट है वो लीनियर इंक्रीमेंट है। यहां से फ्रस्टम का एरिया बढ़ना स्टार्ट किया और कहां तक बढ़ रहा है, बी तक बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो फ्रस्टम की जो लेंथ है स्टूडेंट्स वो है बी एल। ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर यहां पर जो एरिया होगा या यहां पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर हमें करंट डेंसिटी बताओ और इसमें फ्लो वाले होने वाली करंट है आई। अब जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक जिसमें हम लोग काम कर रहे थे उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम हुआ करता था, क्या अभी सेम है, नहीं अभी सेम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा, या तो भाई इंटीग्रेशन का लॉजिक यूज करिए, ठीक है ना, जनरल मैथमेटिक्स का लॉजिक यूज करिए। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपको करंट डेंसिटी पता करनी है, तो हमें क्या करना होगा, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इस पॉइंट पर करंट जो कि आई ही होगी, लेकिन यहां का एरिया कितना होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, यहां का एरिया और यहां के एरिया को मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं ए, और इसकी जो रेडियस है उसको मैं लिख रहा हूं स्मॉल r, ये कितना हो जाएगा आई बाई ए, यहां का रेडियस, यहां का एरिया हमने ए मान रखा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आई बाई, ये हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर, यहां की रेडियस, ये जो फ्रस्टम का ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, वहां का एरिया हमें पता करना है जो कि है पाई आर स्क्वायर। अब ये आर पता कर लीजिए और आर यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लीजिए इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब ये कैसे पता चलेगा, बहुत ही आसान है,
अभी कुछ एक लेक्चर पहले आप लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा जिसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था, और उसको मैंने दो तरीके से बताया था। एक में हमने लाइन का कंसेप्ट यूज किया था y इक्वल टू mx प्लस c, और दूसरे में हमने एक जनरल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज किया था। तो ये जनरल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंक्रीमेंट स्टार्ट हुआ है वो a से स्टार्ट हुआ है, a से लेके कहां तक स्टूडेंट्स, b तक। तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होगा, l लेंथ में इंक्रीज हुआ है a टू b, तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज कितना हुआ है b माइनस a का। पहले a था फिर b हो गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ, ये जिसको आप बोलेंगे इंक्रीज कितने का हुआ, तो इंक्रीज तो इतना ही हुआ है ना, ये है कितना b माइनस a। और ये इंक्रीमेंट कितनी लेंथ में हुआ है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीमेंट हुआ है l लेंथ में, तो यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाएगा, b माइनस a बाई l। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीमेंट यूनिट लेंथ में है, तो x लेंथ में इंक्रीज कितना होगा, x लेंथ में इंक्रीज, x लेंथ का इंक्रीज इतना है, x लेंथ पर इंक्रीमेंट सिर्फ इतना है, ये तो a पहले से ही था, इंक्रीज कितना हुआ इतना, तो x लेंथ पर यूनिट लेंथ पर अगर इतना इंक्रीज है तो x लेंथ पर इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज इन रेडियस ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस x इज इक्वल टू यूनिट लेंथ में इतना इंक्रीज है b माइनस a बाई l, तो x डिस्टेंस पर कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो इंटू एक्स कर देंगे, यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब ये इंक्रीज है लेकिन टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, तो उसमें आप एक वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रेडियस एट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको करंट डेंसिटी पता करनी है उस पॉइंट पर रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, तो पहले जितना था उसमें इंक्रीमेंट को ऐड कर देंगे, तो a प्लस b माइनस a बाई l इंटू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक ठीक है, तो ये हो जाएगा इंक्रीज, और ये इंक्रीज है तो ये पहले से था, तो ये टोटल रेडियस जिसको आप लोग r बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, r की वैल्यू यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगी, तो करंट डेंसिटी j इज इक्वल टू i बाई पाई स्क्वायर, i बाई पाई, और r की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, a प्लस b माइनस a बाई l इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है या रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप लर्न नहीं रखेंगे, ये कोई जनरल सा रिजल्ट है, बस इसको अप्लाई करने का तरीका याद रखेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों ने रेजिस्टेंस पर भी किया है, अभी हाल ही में किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लेक्चर के इस पार्ट में अभी हम लोग को इस्टेब्लिश करना है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ करंट डेंसिटी को, अभी एक डेरिवेशन डेवलप करना है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है जो कि रिलेशन बताता है करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग पहले फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं जिसको हमें यहां पे यूज करना होगा, जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, इसमें रेजिस्टिविटी कितना हुआ करती थी, इसमें रेजिस्टिविटी हुआ करती थी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, जो कि टेम्परेचर और मटेरियल पर ही डिपेंड करती थी, ये एल बाई ए। वैसे फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है रेजिस्टिविटी क्या होती थी स्टूडेंट्स, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल कंसिडर किया था जिसको क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल हुआ करता था कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, स्मॉल सिग्मा से, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ठीक है, इसको यूज करना होगा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं अभी,
आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मेट देखे होंगे, पहला फॉर्मेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये देख रखा होगा, और दूसरा वी डी का एक फॉर्मूला देख रखा होगा आप लोगों ने, माइनस ई ई बाई एम इंटू टॉ, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो आपका जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, सिंस I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। अब इसमें हमें करंट डेंसिटी चाहिए, तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I बाई ए, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोसेसर एरिया यहाँ का ए है। वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, एन ई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए, ये रही करंट डेंसिटी, एरिया और एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन ई वी डी, ठीक है। अब वी डी की वैल्यू ये वाली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में जे इज इक्वल टू एन ई, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इस माइनस को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टॉ, ठीक है। जे इज इक्वल टू एन ई ई, मतलब ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई, ठीक है फ्रेंड्स। और एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, मतलब कंडक्टिविटी। तो J इज इक्वल टू कितना, J इज इक्वल टू हो जाएगा कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने करंट डेंसिटी को पढ़ा, उसके वेरिएशन को पढ़ा, और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।